हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? मोशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्लास में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि मोशन क्या होता है ना। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बताया था, ऑब्जर्वर बताया था, मोशन बताया था आपको कि मोशन क्या होता है। तो मैंने ये बताया था कि मोशन क्या होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आई मीन रेस्ट एंड मोशन जो है वो जब भी डिफाइन किया जाता है तो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एब्सोल्यूट मोशन में और एब्सोल्यूट रेस्ट में होगा, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। सेमी ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए, मैंने बताया था कि सेमी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए क्या है, रेस्ट में हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो मोशन क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना। मैंने ये बताया था कि जब भी किसी भी ऑब्जर्वर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ यदि पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि नहीं ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। यदि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो आज इसमें हम अब पढ़ेंगे, कल तो जस्ट हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, आज से न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, डिस्टेंस। इसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है इसको भी हम देखेंगे वन बाय वन, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल है ना पाथ पे मूव करता है, ऑफकोर्स पाथ क्या होता है, रास्ते होते हैं, तो रास्ते पे जब मूव करता है तो जितना पाथ लेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। आई मीन पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द क्या होगा, पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय या कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पाथ लेंथ। फिर से आप ध्यान से देखो, द डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। क्या होगा, किसी भी टाइम इंटरवल में जितना पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो है वो मूव करता है, दैट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, क्या है, दैट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जैसे मान लो कि आप सभी लोग, ये मैं जनरल बता देता हूँ, सभी लोग आप जानते हैं ये एक्स वाई प्लेन है ना, और कभी क्या है पार्टिकल, यही क्या है पाथ है, यही हमने ऐसे पाथ बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पार्टिकल है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या होगा, और इसी को क्या बोलेंगे हम, स्टार्टिंग पॉइंट। समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जब भी हम कंसीडर करते हैं तो t इक्वल टू जीरो। देखो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। तो जब मैं बोलूँगा कि नहीं पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल जो है वो रेस्ट से t इक्वल टू जीरो से चलना शुरू किया, t इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और स्टार्टेड इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या होगा कि t इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इनिशियली क्या है, पार्टिकल जो है वो कहाँ है, p पॉइंट पे है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आई मीन एट t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो। और किसी टाइम t, यही पाथ है, दिस इज पाथ। ठीक है, पाथ स्टेट भी हो सकता है, कर भी हो सकता है, मैं जनरल पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। और किसी टाइम टी पार्टिकल कहाँ है, एक पॉइंट क्यू पे ऐसे चल रहा है पार्टिकल है ऐसे। ठीक है, ये क्या है, तो एट एनी टाइम तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और एंड पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ही हुआ और फाइनल पोजीशन क्या हुआ, ये इसको हम आई भी लिख सकते हैं, और इसके आई स्टैंड फॉर इनिशियल, एफ स्टैंड फॉर फाइनल। तो इसको सबसे अच्छा है आई लिख लो, आई, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, एफ, क्यू मत लिखो, एफ, स्मॉल आई और स्मॉल एफ।
ठीक है, यही पाथ है। पार्टिकल कहां से चलना शुरू किया, टी इक्वल टू जीरो से, टी इक्वल टू जीरो पे यहां से आई मीन इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू किया ऐसे ऐसे, और किसी टाइम टी कहां पहुंच गया एफ पे, ऐसे जा रहा होगा। मुझे जितने टाइम में पूछा जाए उतने टाइम की बात है। तो यहां से यहां जो ये ट्रेवल, देखो यहां से यहां जा रहा है, तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, तो ये इसका जो लेंथ होगा, पाथ लेंथ कितना होगा, आई ए सॉरी आई एफ, ऐसे ये पाथ लेंथ होगा। जिस पाथ का जो लेंथ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ, क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ। तो हम सिंपल यहां लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, यहां लिखेंगे डिस्टेंस का डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, क्या होगा, या यहां लिख रहे हैं टोटल, टोटल सिंपल टोटल पाथ लेंथ मूव्ड बाय ए पार्टिकल, बाय ए पार्टिकल इन गिवन गिवन टाइम इंटरवल, या इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड पाथ लेंथ, सॉरी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसी को हम क्या, इज कॉल्ड डिस्टेंस इन गिवन टाइम इंटरवल, या इन गिवन टाइम, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां बोल सकते हैं कि इस केस में आई मीन इन द शोन फिगर क्या होगा, आई मीन ये क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, टाइम इंटरवल पे या टाइम पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आया ना, ये चीज आपको ध्यान देना। ये पूछा जाए कि नहीं, आप मैंने मान लो कि खेड़ से चलना शुरू किया और रोटरी स्कूल में आपको आना है, खेड़ से आप 10:30 को चलना शुरू किए, है ना, और आप रोटरी स्कूल में मान लीजिए कि आप कब आए, 9:30 को आप लोग आ गए, है ना, कितना 10 को हमने चलना शुरू किया, या 10:30 को कोई भी, चलो 10 से हम चलते हैं और 9:30 को आप आ गए। ये मत समझना कि सर वन आवर कैसे, वन एंड हाफ आवर कैसे लग जाएगा रोटरी स्कूल में आने में, तो हम ऐसा नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि वन एंड हाफ आवर में आप कोई पाथ को कवर करके, किसी पाथ के अलॉन्ग मूव करके आए हो, तो वन एंड हाफ आवर में आपका डिस्टेंस क्या होगा, तो जितना पाथ लेंथ होगा। अब मान लो कि वन आवर में हमने कहा है शशि के दुकान पे, आई मीन कॉर्नर पे आए, है ना, बहुत लोग शशि का दुकान जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो शशि के दुकान पे हम आए, तो वन आवर में जो वहां से आई मीन खेड़ से शशि के दुकान तक आने में जो आप पाथ के अलोंग, जिस पाथ के अलोंग मूव करके आए होंगे, उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, उतने टाइम में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम इंटरवल पे क्या होगा, डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब मान लो कि टी टाइम में यहाँ है, मैं बोलूँ कि नहीं यहाँ से आर डिस्टेंस, आर पॉइंट पे आ गया, कितने टाइम में, एट टू टी टाइम में, ठीक है। तो जीरो टू टू टी टाइम में डिस्टेंस क्या होगा यार, ये टोटल पाथ लेंथ होगा। जीरो टू टी टाइम में क्या होगा, ए वाला पाथ लेंथ होगा। तो आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने यहां लिखा है कि टोटल पाथ लेंथ मूव्ड बाई या कवर्ड बाई द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल या गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को जनरली हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे, क्या चीज से डिनोट करेंगे, एस से, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज किसी से, इट डी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम एस से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड एस, क्या होगा, एस कैपिटल एस या स्मॉल एस, जो भी लिखना, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो यहां से देखोगे कि डिस्टेंस आई मीन इज इक्वल टू एस, इक्वल टू क्या होगा, यहां से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्या होगा, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ए एफ सॉरी आई एफ, इफ मत पढ़ना तुम लोग, आई एफ, ठीक है। ये अब ये जितना दिया होगा उतना हम लिख देंगे। तो पहला क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है,
अब आपसे SI यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, हम यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हैं, तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज क्या होगा, मीटर, मीटर है ना। आई मीन यहां एक पॉइंट और लिखना है, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 10^3 meter, ठीक है। और ये ध्यान देना तुम, ठीक है। उसके बाद 1 meter इज इक्वल टू क्या होगा, 100 centimeter। ये आपको जनरली क्योंकि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में डिस्टेंस दिया रहेगा, तो जब भी आप लिखना तो SI यूनिट में हमेशा लिखते हैं, और इसको स्मॉल m से हम, इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल m होगा। अगला जो पॉइंट है कि SI आई मीन डिस्टेंस का जो यूनिट होगा, तो हमने लिख दिया क्या होगा, मीटर होगा सेंटीमीटर, SI यूनिट क्या होगा मीटर, CGS यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, और MKS में हम क्या लिखते हैं, इसको किलोमीटर में लिखे, नहीं किलोमीटर में नहीं सॉरी, MKS में भी हम इसको ही लिखते हैं, केवल ये क्या किलो में 1 किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, भी मैंने बताया था डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को क्या होता है, डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा, m^0 l^1 t^0, आई मीन ये क्या होगा, l का डायमेंशन होगा, ये बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप बता सकते हो कि डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। आई मीन डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल और कवर्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी जीरो, ये आप बता सकते हो मुझे। अरे देखो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ होता है, पाथ लेंथ, समझ में आई ना बात, पाथ लेंथ, और लेंथ जो होगा वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, समझ में आना, डिस्टेंस टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो तो अरे यहाँ t इक्वल टू जीरो पे है यार, मान लो कि किसी टाइम यहाँ आ गया तो ये पाथ लेंथ हुआ ना यार, फिर यहाँ आएगा तो ये भी क्या होगा, कुछ लेंथ तो होगा ना, लेंथ जीरो नहीं होगा ना। तो सिंपल याद रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द पार्टिकल विल नेवर बी निगेटिव, ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ध्यान देना है, समझ में आया ना, क्योंकि ये लेंथ जो होगा पाथ का लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता। आज तक आपने कभी सुना है कि डिस्टेंस मूव बाय -10 meter, नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आगे हम देखेंगे। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, अलवेज क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी लिखना है कि डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाई पार्टिकल इज अलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, इज अलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ठीक है, समझ में आया बात। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल इज अलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। अब आपसे कोई पूछे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको माइंड में रखना चाहिए, डिस्टेंस क्या होगा किसी भी पार्टिकल के द्वारा जो होगा कवर्ड होगा वो क्या होगा, अलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस विल बी अलवेज पॉजिटिव, इट विल नेवर बी निगेटिव, क्योंकि पाथ लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, ये बात समझ में आया। उसके बाद तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, दैट इज यहाँ लिख देता हूँ, या उसके बाद तुमको ये बताना है कि डिस्टेंस जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, तो दैट इज यहां लिख देता हूं, दैट इज डिस्टेंस इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो, अब आप मुझे बताओ कि पाथ
डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, कैसे आप बताओगे? देखो तो इसमें डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन है क्या? मैंने तो नहीं बोला ना कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ, दिस इज स्टार्टिंग, इनिशियल टू फाइनल। तो लेंथ जो होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, है ना? लेंथ में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड बाई, या डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस इज, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, है ना? बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसमें केवल क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है डिस्टेंस, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, इस पे हम एग्जांपल देखेंगे, है ना? एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन द, क्या है, सर्कुलर पाथ, है ना? जैसे देखो ये क्या है, देखो ये लिख देता हूं, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम पॉइंट ए एज सोन इन द फिगर, ठीक है। देखो यही क्या है, सर्कुलर पाथ है, और ये सर्कुलर पाथ हुआ, है ना, ये सेंटर है और यही पॉइंट ए है। यहां से चलना शुरू किया, कैसे भी चला, ये पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हुआ, डी पॉइंट। इसका रेडियस क्या आ रहा है, कहां है, एट टी इक्वल टू जीरो कहां है, यहां। ऐसे मान लो कि वो मूव करना शुरू किया सर्कुलर पाथ पे, है ना, एज सोन इन द फिगर। कहां से चलना शुरू किया, ए से, और सर्कल के अलोंग, सर्कमफेरेंस के अलोंग क्या है, वो मूव कर रहा है। अब जब बी पे है, सी पे है, डी पे है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल, है ना? तो यहां फाइंड द डिस्टेंस, क्या देन फाइंड, है ना, ये समझ में आया, देन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाई ए पार्टिकल ए में क्या है, ए में, when पार्टिकल इज एट पॉइंट बी सी एंड डी, ठीक है। बी में लिखो when पार्टिकल रिटर्न अगेन एट पॉइंट ए, ठीक है। अब देखो यहां कुछ नहीं है, बस समझना है तुमको। तो आप देखो यहाँ कि मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
तो जब B पे होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा यार, आर्क लेंथ ए बी, यही होगा ना, आर्क लेंथ ए बी। तो यहाँ हम लिखते जाएंगे व्हेन, क्या होगा व्हेन, देखो तो t इक्वल टू जीरो में पार्टिकल कहाँ है, ए पे है, और ऐसे चलना शुरू किया, किसी टाइम कहाँ हो गया, आ गया बी पे आ गया। तो पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया यार, ये सर्कम्फ्रेंस के, आई मीन सर्कम्फ्रेंस नहीं, ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के इक्वल ही होगा, आर्क लेंथ ए बी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, आर्क लेंथ ए बी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे व्हेन, व्हेन पार्टिकल, पार्टिकल इज एट पॉइंट, क्या होगा बी, देन क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ऑफ आर्क ए बी, यही आर्क का सिंबल है, शायद आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो तो ये कितना होगा, आर्क लेंथ ए बी क्या होगा, देखो तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यार, देखो तो ये टोटल सर्कम्फ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये देखो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना होगा 2πr अपॉन क्या होगा 4, आई मीन कितना हो जाएगा पाई आर बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है ना। दूसरा आप पॉइंट देखेंगे कि जब पार्टिकल कहाँ होगा, B पे होगा, है ना, सॉरी C पे होगा, तो देखो तो जब C पे होगा तो कितना आर पाथ लेंथ होगा, आर्क लेंथ कितना होगा ए बी सी, तो आर्क लेंथ ए बी सी कितना होगा पाई आर होगा यार, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, अब देखो व्हेन व्हेन पार्टिकल इज एट क्या होगा एट C, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा आर्क लेंथ, आई मीन लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, और ये कितना होगा पाई आर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन When particle is at point कहाँ D, then 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 क्या होगा डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो आप, कितना होगा अभी मत बता देना, ये ई डी होगा, डी ऐसे आ रहा है यार, जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उसका पाथ लेंथ, तो कितना होगा देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क ए सी डी, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, और ये कितना होगा, ठीक है, 3π आर बाई क्या होगा 2। अब जब अगेन कहाँ आ जाएगा, वो ए पॉइंट पे आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा सर्कम्फ्रेंस के इक्वल मूव कर जाएगा, तो 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरा देखो कि क्या होगा, व्हेन व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट अगेन व्हेन पार्टिकल इज अगेन एट, है ना, अगेन एट पॉइंट ए, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr, सर्कम्फ्रेंस के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में क्या होता है, अब आप दिया रहेगा वहाँ, मैंने एक जनरल रिजल्ट बता दिया, आर दिया रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आर का वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस, सबसे पहले क्या है कि डिस्टेंस जब भी हम मेजर करते हैं, तो मैंने ये बताया था कि रेफरेंस पॉइंट होता है, तो जब रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट पे जब पार्टिकल होता है तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है,
ठीक है, जैसे यहाँ देखो डिस्टेंस, जैसे मैं बोलूँ कि खेड़ 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर क्या है, मीनिंगलेस है। अरे कहाँ से 10 किलोमीटर है यार। अब यदि आप खेड़ को सेंटर कंसीडर करके एक सर्कल 10 किलोमीटर का रेडियस ड्रॉ करोगे तो सभी लोकेशन आ जाएगा, तो ये मीनिंगलेस है। आप नहीं बता सकते हो कि कहाँ से 10 किलोमीटर खेड़ है, लेकिन मैं यही बता दूं कि नहीं इस जगह से है। तो जब जैसे ही मैंने जगह बताया, इसका मतलब क्या है, उसको हमने रेफरेंस मान लिया, और रेफरेंस पॉइंट का, जो रेफरेंस पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में उसका क्या होगा, जितना डिस्टेंस होगा, जितना वो पाथ लेंथ मूव करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया ना, ये बात ध्यान देना चाहिए, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इफ द पार्टिकल इज एट रेफरेंस पॉइंट, है ना, देन इट्स डिस्टेंस विल बी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। अब रेफरेंस पॉइंट से वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट किसको बोलेंगे, मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा है, तो पार्टिकल ऑब्जर्वर के पास में ही है, हमेशा वही रहेगा। जब पास में है तो उसका डिस्टेंस क्या है, जीरो है। अब किसी कुछ टाइम के बाद जब उससे दूर जाएगा तभी वो डिस्टेंस मूव करेगा ना, तो ये चीज ध्यान देना है ना। तो डिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे, इसका और भी है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो तीन पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, डिस्टेंस अलवेज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद तो हाँ, यहाँ नोट में लिख लेना, ये ध्यान देना है कि इफ क्या होगा, इफ आई मीन इफ क्या होगा, इफ पार्टिकल इज एट जीरो एट रेफरेंस पॉइंट, इफ द पार्टिकल इज एट रेफरेंस पॉइंट इनिशियली, देन इट्स डिस्टेंस, देन डिस्टेंस कवर्ड, देन डिस्टेंस अब ये मत बोलना कि ऑलवेज डिस्टेंस जीरो होगा, नहीं। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि देखो ये क्या है, मान लो कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन हमने कंसीडर किया था, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट क्या है, ए है, ए बी है, और ए सी है, ए बी है। अब यहाँ से चलना शुरू किया था, यही क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो ऑलवेज डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। लेकिन जब रेफरेंस पॉइंट पे इनिशियली पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा इनिशियली। ऐसे नहीं है कि आफ्टर सम टाइम्स अगेन इट रिटर्न टू द रेफरेंस पॉइंट, देन इस डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसलिए यहाँ मैंने द पार्टिकल इज एट रेफरेंस पॉइंट इनिशियली, देन डिस्टेंस विल बी जीरो। ऐसे नहीं है कि अगेन कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम के बाद वहाँ आ रहा है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम दूसरा जो पॉइंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आर से भी डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है ना, अब देखो यहाँ से सिंपल मैं जनरल डेफिनेशन बता देता हूँ, ये वाई हुआ और ये क्या हुआ, जेड हुआ, अगेन यही पाथ है, ठीक है। यहाँ क्या है, पी पॉइंट है, और यहाँ हमने क्यू पॉइंट रख लिया, ये दिस इज, इसको देखो ये क्या है, पोजीशन हो गया, इसको मैं लिख रहा हूँ आर आई आई मीन इनिशियल पोजीशन, और इसको लिख रहा हूँ क्या होगा, आर एफ। थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी, ठीक है। और दिस इज क्या हो गया, फाइनल पोजीशन आर एफ। देखो इसको हमने क्या कंसीडर किया है, रेफरेंस पॉइंट,
ये क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। जनरल मैं बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या हो। अब देखो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे है ना। अब क्या होगा, ये ध्यान देना है, देखो यहां से है ना, डिस्प्लेसमेंट देखो, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, सिंपल। तो देखो यहां से क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, ये वाला ठीक है, यही क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, पाथ लेंथ, आई मीन दिस विल बी क्या होगा, डिस्टेंस, है ना। ये वाला जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, दिस इज क्या होगा, डिस्टेंस। तो एक चीज ध्यान देना है कि सिंपल शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो यहां जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो लिखोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन क्या होगा, इनिशियल एंड क्या होगा, फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल से फाइनल। तो आपको क्या करना है, जब भी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम पाथ एक ही हो सकता है यार, मोर देन वन नहीं हो सकता है। तो यहाँ से भी मालूम, देखो कैसे भी पाथ हो, यहाँ से ऐसे भी जा सकते, ये यदि इनिशियल एंड फाइनल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकता है, आई मीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ लेंथ हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, यूनिक होगा, है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ देखो कि यहाँ क्या है, इनिशियल टू फाइन, है ना। तो द वेक्टर ज्वाइनिंग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर होता है, देखो यहाँ एरो दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग टू इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ हमने क्या लिखा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है कि मिनिमम पाथ जो होगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, और भी इसका दूसरा भी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम आर लिख देते हैं ना, ये क्या होगा, आर वेक्टर, आर, ठीक है। तो अब मुझे क्या लिखना है, पी क्यू लिखना है, आर वेक्टर लिखना है, यही लिखना है ना। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू, पी टू क्यू, क्यू टू पी नहीं, इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे सोचोगे, इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, इसमें मैंने डायरेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं है, इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पी क्यू। अब देखो वेक्टर एडिशन तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, यहां से देखोगे कि पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, बता सकते हो, अरे देखो तो अब लिख सकते हैं, देखो तो वेक्टर, देखो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू वैक्टर, और ये भी लिख सकते हैं, पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू वैक्टर माइनस क्या होगा, ओ पी वैक्टर,
और इसको ये भी लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा ओ क्यू। ओ क्यू कितना होगा, देखो ध्यान से, एक तो डेफिनेशन ये हुआ यार और एक डेफिनेशन भी होता है, दोनों डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जनरली तुम नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, यही होता है, लेकिन ये जनरल डेफिनेशन है। तो यहाँ ओ क्यू इक्वल टू क्या है, आर एफ, तो आर एफ माइनस क्या हो जाएगा आर आई। तो इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, बाद में हम पढ़ेंगे, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अभी सिंपल। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, फाइनल, फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम बोल सकते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं, देखो फाइनल पोजीशन माइनस का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन क्या होगा, पोजीशन। तो ये भी ये बाद में हम पढ़ेंगे, जब इसका यूज कब होगा, जब हम वेलोसिटी वगैरह डिफाइन करेंगे तो वहां। तो सिंपल क्या है, सिंपल हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट बिटवीन यहाँ मैंने लिख दिया, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू जीरो, फाइनल का मतलब क्या हुआ, एट एनी टाइम टी, जिस टाइम में पूछा जाए। तो यहाँ से और भी हम इन सेकेंड वे वी कैन से दैट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, सिंपल यहाँ लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज, चेंज इन पोजिशन बिटवीन, चेंज इन पोजिशन इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजिशन इन गिवन टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजिशन का मतलब क्या होगा, फाइनल पोजिशन माइनस क्या होगा, इनिशियल पोजिशन, क्या होगा, फाइनल पोजिशन माइनस क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये सिंपल है, सिंपल ये याद रखना है कि ये क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, चेंज इन इनिशियल पोजीशन माइनस क्या हो जाएगा, चेंज इन फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन देख लो, फाइनल पोजीशन देख लो, दोनों को वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट को आर से डिनोट किया है। अब पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो वाई, जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो जेड, वो आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ अब थोड़ा सा वेक्टर एक दो, मतलब एक दो पॉइंट में लगेगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होगा, आर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ माइनस क्या होगा, आर आई। यहाँ हमने आर मान लिया, आर क्या है, पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन, सिंपल है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और दिस इज फाइनल, सॉरी दिस इज इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज क्या होगा, फाइनल पोजीशन। तो ये समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या है कि क्या होगा कि मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना, है ना। या शॉर्टेस्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे ही बोल सकते हैं। और इन अनदर वे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान देना है ना, उसके बाद हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा, है ना, पहले हम आते हैं, आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट इज ए क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज क्या बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ठीक है. दूसरा ये बात समझ में आया ना कि अलवेज क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, ए स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकता है. उसके बाद इसका जो SI यूनिट लिखोगे SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस क्या होगा मीटर M से डिनोट करेंगे. डायमेंशन जो लिखोगे इसका डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन जो होगा क्या होगा L होगा सिंपल. ठीक है, अब एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि क्या होगा बिटवीन टू गिवन पॉइंट और बिटवीन टू गिवन क्या होगा टाइम इंटरवल जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या है डिस्टेंस डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एल होगा है ना. अब अगला पॉइंट जो लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है. सही है क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन सिंपल. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ है ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इनिशियल टू फाइनल पोजिशन. अब सिंपल हम इसमें देखेंगे कि पाथ लेंथ जो होगा पाथ लेंथ तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो. अब तुम सोचो कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट यदि कोइंसाइड हो जाए मिल जाए है ना तो क्या हो जाएगा यार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना. ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देखोगे कि यहाँ फिर आपको समझ में आएगा. पहले मैं लिख देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या ये देखो पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं है ना. तो यहाँ लिख देता हूँ कि ये पार्टिकल स्टार्ट मूविंग along x axis है ना at t equal to zero from point from origin from क्या होगा from origin है ना क्या है फ्रॉम ओरिजिन एज शोन इन द फिगर. ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से यही क्या है ओरिजिन है ए ओ है इसको हम क्या लिखते हैं ओरिजिन. यही अपना क्या हुआ रेफरेंस पॉइंट हो ये कभी क्या है बी ए पॉइंट पे है कभी बी पॉइंट पे है. ठीक है, और कभी क्या है इधर मैं दिखा देता हूँ ये सी पॉइंट पे है. ये मान लो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है ना. ये मान लो कि भी क्या होगा 10 मीटर होगा और ये भी डिस्टेंस क्या है 10 ये दिया हुआ है 10. ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये बात आपको समझ में आया पार्टिकल कहाँ है टी इक्वल टू जीरो पे क्या है यहाँ
तो ये पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट टी इक्वल टू जीरो फ्रॉम ओरिजिन एज सोन इन द फिगर, है ना। यही क्या है आपका एक्स एक्सिस है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड क्या है, देन फाइंड देन फाइंड डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। From origin along positive x-axis, है ना, ये लिख लेना, नहीं तो फिर confusion हो जाएगा, है ना। From origin along positive x-axis, ये particle start moving along positive x-axis, यहाँ plus x-axis at t equal to zero from origin, as यहाँ ठीक था as shown in the figure। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये मैं लिखो व्हेन व्हेन पार्टिकल इज एट, क्या है, एट ए बी, है ना, बी में लिखो व्हेन पार्टिकल रिटर्न, देखना है, देखो ध्यान से, है ना, फिर इसी से हम लिखेंगे इस एग्जांपल के बाद, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे यहाँ, दो दो क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ से। तो यहाँ से व्हेन पार्टिकल इज एट ए एंड बी, है ना, और बी में क्या है, व्हेन व्हेन पार्टिकल रिटर्न एट ओ, और सी में जो है क्या, व्हेन व्हेन पार्टिकल इज एट, क्या होगा सी, ये समझ में आया, ऐसे जाएगा, है ना, पहले ऐसे जाएगा, यहां गया और फिर यहां से क्या होगा, रिटर्न होकर के फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे पहले यहां से चल कैसे रहा है, यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ दो तीन चीज़ें क्लियर करनी है मुझे, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस हमेशा क्या है, पाथ लेंथ अपने को क्या करना है, देखना है। तो हम लिखेंगे कि व्हेन पार्टिकल इज एट, क्या होगा, ए व्हेन पार्टिकल इज एट, क्या होगा, ए। तो देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सिंपल बता सकते हो तुम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 मीटर, यही होगा ना, आई मीन क्या होगा, ओ ए पाथ लेंथ ओ ए, आई मीन कितना होगा, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो यहाँ आप लिखते हैं कि देखो यही क्या होगा, ये ए है और ये क्या है, बी है, सॉरी ओ ए, ए स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये फाइनल पॉइंट हुआ, ठीक है। तो यहां तुम बता सकते हो, देखो डिस्प्ले